नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के ई लेक्चर में। सब्जेक्ट रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स, सब्जेक्ट कोड CS203 के टॉपिक डेडलॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सांखला, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर से। टॉपिक की शुरुआत में सर्वप्रथम आप जानिए कि एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट में कई सारी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने के लिए तत्पर रहती हैं। इन प्रोसेसेस को अपने एग्जीक्यूशन के लिए विभिन्न रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। ये रिसोर्सेज दो प्रकार के हो सकते हैं मुख्यतः, पहला लॉजिकल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज। लॉजिकल रिसोर्सेज में मॉनिटर्स, सेमाफोर्स, फाइल्स या फाइल स्टोरेज शामिल है, जबकि फिजिकल रिसोर्सेज में शामिल है मेन मेमोरी यानी कि रैम का स्पेस, IO डिवाइसेज यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और CPU टाइम यानी कि CPU साइकल्स। इस बात का ध्यान रखिए कि डेडलॉक मूलतः इनडेफिनेट वेटिंग है, यानी कि वेटिंग कर रही प्रोसेसेस वेट करती रहती हैं तब डेडलॉक अकर होता है, जबकि यदि उन प्रोसेसेस को ब्लॉक किया जाए तब वह स्टारवेशन कहलाता है। स्टारवेशन की समस्या को हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में देखा था और इसका समाधान होता है एजिंग, यानी कि समय के साथ लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस की प्रायोरिटी को एक एक यूनिट से बढ़ाया जाता है, उसकी एजिंग की जाती है ताकि उसे कभी न कभी एग्जीक्यूशन का अवसर मिले। अब जानिए डेडलॉक क्या है। एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट में कई सारी प्रोसेसेस विभिन्न रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करती है आपस में, क्योंकि हर कंप्यूटर सिस्टम में रिसोर्सेज जो भी होते हुए हैं वे निश्चित रूप से लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। वे दो प्रकार के हो सकते हैं, फिजिकल या लॉजिकल, लेकिन वे फिर भी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। एक प्रोसेस रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यदि वे रिसोर्सेज पहले से ही उपलब्ध नहीं हो और पहले से ही किसी अन्य प्रोसेस के पास उपलब्ध हो तो वर्तमान में उनको रिक्वेस्ट कर रही प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली जाती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वेटिंग कर रही एक प्रोसेस कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर पाती है, क्योंकि रिसोर्सेज, जिन रिसोर्सेज की उस प्रोसेस P1 को आवश्यकता है वो किसी अन्य वेटिंग प्रोसेसेस के पास रोके रखे गए हैं। ऐसी परिस्थिति को डेडलॉक कहते हैं, यानी कि डेडलॉक वह परिस्थिति है जिसमें वेटिंग कर रही एक प्रोसेस के द्वारा रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट की जाती है और वे रिसोर्सेज किसी अन्य वेटिंग प्रोसेसेस के पास ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं। ऐसी परिस्थिति को डेडलॉक कहते हैं। इस डेडलॉक को और गहराई से समझने के लिए हमें एक नए सिस्टम मॉडल की आवश्यकता है। इस सिस्टम मॉडल को समझने के लिए ध्यान दीजिए कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज की एक नियंत्रित मात्रा उपलब्ध होती है विभिन्न प्रोसेसेस के लिए। इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, फिजिकल रिसोर्सेज या लॉजिकल रिसोर्सेज। मसलन यदि किसी कंप्यूटर सिस्टम से 5 प्रिंटर्स जुड़े हुए हैं तो इन्हें प्रिंटर रिसोर्स नाम के टाइप में क्लास में बांटा जा सकता है, जबकि 5 उस रिसोर्स टाइप प्रिंटर के 5 इंस्टेंसेस कहलाएंगे। यदि किसी प्रोसेस को किसी रिसोर्स टाइप के इंस्टेंस की आवश्यकता है तो उस रिसोर्स टाइप का कोई भी इंस्टेंस, 5 प्रिंटर्स में से कोई भी एक प्रिंटर उस प्रोसेस को एलोकेट कर दिया जाए तो उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब है कि रिसोर्स टाइप की क्लासेस प्रॉपरली डिफाइन नहीं की गई है और रिसोर्सेज के इंस्टेंसेज आइडेंटिकल नहीं है। उदाहरण के लिए एक सिस्टम से 2 प्रिंटर जुड़े हुए हो सकते हैं। यदि इस बात की परवाह न की जाए कि कौन सा प्रिंटर प्रिंट करता है तो वो दोनों के दोनों प्रिंटर एक ही रिसोर्स टाइप प्रिंटर रिसोर्स टाइप में कहलाएंगे, लेकिन यदि उन दोनों प्रिंटर्स में से कोई एक प्रिंटर 9th फ्लोर पे हो और दूसरा बेसमेंट यानी तल घर में तहखाने में हो तब उस स्थिति में 9th फ्लोर वाले व्यक्तियों के लिए, यूजर्स के लिए दोनों प्रिंटर्स एक समान नहीं हो सकते हैं और उस प्रिंटर रिसोर्स टाइप के क्लास को वापस प्रॉपरली डिफाइन किए जाने की आवश्यकता है। यदि किसी प्रोसेस को किसी भी रिसोर्स टाइप के इंस्टेंसेस को काम में लेना है
उसका क्रम यह रहता है कि सर्वप्रथम उस प्रोसेस को, उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। रिक्वेस्ट के बाद यदि वह रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हो जाती है और प्रोसेस को उस रिसोर्स का कंट्रोल मिल जाता है, तब वह प्रोसेस उसे यूज करती है और यूज करने के फौरन पश्चात उस प्रोसेस पी वन को रिसोर्स को रिलीज करना होता है। क्रम रहेगा रिक्वेस्ट, यूज, रिलीज। यदि रिक्वेस्ट किया गया रिसोर्स इमीडिएटली ग्रांट नहीं किया जा सकता है, तब उस प्रोसेस पी वन को वेट करना होगा जब तक कि वह उस रिसोर्स को एक्वायर न कर ले। यानी कि किसी प्रोसेस के द्वारा यदि किसी रिसोर्स को काम में लेना है तो सर्वप्रथम उसे रिक्वेस्ट करना होगा। यदि रिक्वेस्ट इमीडिएटली सेटिस्फाई नहीं हो सकती है तो उस प्रोसेस पी वन को वेट करना होगा जब तक कि वह रिसोर्स उसे उपलब्ध ना हो जाए। जैसे ही उस प्रोसेस को रिसोर्स उपलब्ध होता है तब वह प्रोसेस उस रिसोर्स पर अपना ऑपरेशन कर सकती है, वर्क कर सकती है, और वर्क करने के फौरन पश्चात प्रोसेस को अपना रिसोर्स रिलीज करना होता है। यानी कि पुनः ध्यान दीजिए, सार रूप में सारांशतः एक सिस्टम में विभिन्न रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल या लॉजिकल। विभिन्न प्रोसेसेस इन रिसोर्सेज को एक्वायर करना चाहती है अपने एग्जीक्यूशन के कंप्लीशन के लिए, लेकिन उन्हें इस नियम का ध्यान रखना है उन प्रोसेसेस को कि सर्वप्रथम वे उस रिसोर्स को काम लेने से पहले रिक्वेस्ट करेगी। रिक्वेस्ट जब तक एक्सेप्ट न हो जाए, ग्रांट न हो जाए वह रिसोर्स, तब तक उन्हें वेट करना होगा। रिक्वेस्ट के ग्रांट हो जाने पर प्रोसेसेस रिसोर्सेस को यूज करती हैं और यूज के फौरन पश्चात उन्हें उन रिसोर्सेस को रिलीज करना होता है। तब डेडलॉक कहाँ आ जाता है, इसे देखिए। डेडलॉक को हम देख चुके हैं, अब बात करेंगे हम डेडलॉक स्टेट की। डेडलॉक स्टेट से तात्पर्य है कि कुछ प्रोसेसेस हैं, मसलन P1 से लेकर P5 तक 5 प्रोसेसेस हैं, और इनमें से प्रत्येक प्रोसेस PI यानी कि P1, P2, P3, 4, 5 प्रत्येक प्रोसेस एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रही है जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है इन्हीं 5 प्रोसेसेस में से किसी अन्य प्रोसेस के पास। यानी कि वेटिंग स्टेट की प्रोसेस P1 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रही है जो कि P2, P3, P4, P5 नाम की किसी अन्य वेटिंग प्रोसेस के पास ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, और वे सभी P2 से लेकर P5 तक की प्रोसेसेस भी एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रही हैं जो किसी अन्य प्रोसेस के पास ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। इस संपूर्ण स्थिति को डेडलॉक स्टेट कहा जाता है। यानी कि एवरी प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट कैन बी कॉज्ड ओनली बाय अनदर प्रोसेस इन द सेट। नाउ अब हम किन इवेंट्स के बारे में ज्यादा कंसर्न है, इनके बारे में विशेष ध्यान रखना चाहते हैं, वे हैं रिसोर्सेज का एक्विजिशन और रिलीज। जैसा कि हमने पूर्व में देखा, किसी भी रिसोर्स को काम में लेने से पहले प्रोसेस को उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट करना होता है और यूज करने के बाद उसे रिलीज करना होता है। द रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज या लॉजिकल रिसोर्सेज। अब डेडलॉक स्थिति वास्तविकता में कैसे बनती है, इसके हम कुछ उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है संबंधित उन रिसोर्सेज से जिनका रिसोर्स टाइप सेम हो। डेडलॉक इन्वॉल्विंग द सेम रिसोर्स टाइप। सेम रिसोर्स टाइप का उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक सिस्टम से 3 CD RW CD रीड राइट ड्राइव जुड़े हुए हैं। मान लीजिए 3 प्रोसेसेस P1 P2 P3 हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है 2-2 CD RW की। ये जिस किसी भी क्रम में आई है, वर्तमान में ये तीनों की तीनों प्रोसेसेस एक एक CD RW ड्राइव को ऑक्यूपाई कर रही है, होल्ड कर रही है। अब यदि इन प्रोसेसेस को एक अन्य ड्राइव की आवश्यकता है तो यह तीनों प्रोसेसेस डेडलॉक स्टेट में होंगी, कारण कि ये तीनों ही प्रोसेसेस एक ऐसे रिसोर्स की डिमांड कर रही हैं जो कि किसी एक अन्य प्रोसेस द्वारा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, होल्ड पर है, जिसे स्वयं एक अन्य रिसोर्स की आवश्यकता है। यह उदाहरण मुख्यतः बताता है कि सेम रिसोर्स टाइप में
किस प्रकार से डेवलप होता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे जिसमें डिफरेंट रिसोर्स टाइप्स इन्वॉल्व होंगे। ध्यान दीजिए, यदि कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें एक ही प्रिंटर उपलब्ध हो और एक ही डीवीडी ड्राइव उपलब्ध हो, यदि किसी प्रोसेस P1 के द्वारा डीवीडी होल्ड किया हुआ है जबकि प्रोसेस P2 के द्वारा प्रिंटर ऑक्यूपाइड है, ऐसी परिस्थिति में यदि P1 प्रिंटर की रिक्वेस्ट करे और P2 डीवीडी ड्राइव की रिक्वेस्ट करे तो डेडलॉक हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्रोसेसेस एक ऐसे रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही है जो कि किसी एक अन्य वेटिंग प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाइड है। विशेष ध्यान दीजिए कि यदि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग की जानी है तो प्रोग्रामर को डेडलॉक हैंडलिंग के बारे में विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स में शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं और ये शेयर्ड रिसोर्सेज के कारण डेडलॉक होने की संभावना बहुगुणित हो जाती है। अब इस वर्ष आने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आप विद्यार्थियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या है, उनके इंस्टेंसेस क्या है, इनडेफिनेट वेटिंग है डेडलॉक, जबकि इनडेफिनेट ब्लॉकिंग स्टारवेशन कहलाती है। स्टारवेशन का समाधान एजिंग है और विद्यार्थियों को इन रिसोर्सेज के टाइप्स को और उनके उदाहरण को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।